20-20 cm का आई कट मार देंगे इस कॉलर के कॉलर में दोनों तरफ से, ताकि आसानी से इसको हम राउंड में मोड़ सकें। यह हमारे कॉलर का कॉलर में, यानी कि 100 mm ये कॉलर की चौड़ाई की है, और उसका ये 15 mm इसका कॉलर है, कॉलर का कॉलर है 15 mm, है ना। अब इसी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा है 400 mm है इस मार्किंग तक, इसी में हम क्या करेंगे 15 mm का आई कट मारेंगे। यहाँ से देखिए 15 mm नापिए, 30 mm, 40 mm, 60 mm, इसी तरह का मार्किंग हम 15-15 mm का पूरा 400 के रेडियस तक का हम मार देंगे, और इसमें भी राइट एंगल मार लेंगे, जैसे कि एक राइट एंगल मार के दिखाते हैं आपको। इसी तरह से हम राइट एंगल मार लेंगे, और सेम उस साइड भी नीचे की तरफ भी इस कॉलर में हम क्या करेंगे ऐसे ही 15-15 mm मार्किंग कर देंगे 400 के रेडियसर में, और उसको हम क्या करेंगे ये आई कट काट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, मतलब ये भुजरी भुजरी नहीं होता है उसी तरह काट देंगे दोनों तरफ से, तो ये हमारा आसानी से राउंड में मुड़ जाएगा। तो अभी मोड़ने से पहले क्या करेंगे हम इसका, ये 600 का हमारा जो ट्रे है इसमें हमारा 840 mm का भी पीस निकलना चाहिए टोटल, तब जाकर 90 डिग्री में मुड़ेगा। तो अब 840 mm हम कहाँ से नापेंगे इसके बारे में हम देख लेते हैं। हम ट्रे को फिर से सीधा करते हैं, हमने इस तरफ से नापा था ट्रे को 1500 mm नापा था, यहाँ तक नहीं समझे, यहाँ तक नापे थे हम 1500 mm, फिर हम ट्रे की चौड़ाई को क्या कहते थे माइनस कर दिए थे, पीछे चले गए थे ट्रे की चौड़ाई माइनस कर दिए थे, यहाँ तक 600 mm माइनस किए थे हमारा। और फिर यहाँ से हम क्या किए थे 400 mm का रेडियसर छोड़े थे यहाँ तक, है ना, 400 mm बाहर की तरफ लिए हैं, 400 mm का रेडियसर छोड़े हैं। तो अब क्या करना है कि हम जहाँ 1500 जो हमारा मार्किंग था वहाँ से जब हम 600 mm पीछे की तरफ लिए थे जो मार्किंग हमारा आ रहा है यहाँ तक, अब इसके पीछे फिर हम क्या करेंगे 840 mm निकालेंगे भी कर, यहाँ से 840 mm पीछे लगा, ध्यान दीजिएगा जितना है ना 1500 में 600 ट्रे की चौड़ाई माइनस किए थे, फिर वहाँ से जहाँ पे मार्किंग हमारा आया था वहाँ से फिर से हम भी कट जितना आ रहा है भी पीस हमारा 840 mm, 840 mm हम वहाँ तक मेजरमेंट लेंगे। देखिए हमारा लास्ट तक आ रहा है, मुश्किल नहीं है, इतना आ रहा है तो आ रहा है, जब मेजरमेंट यही आ रहा है क्या करेंगे 840 mm। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मार्किंग मार देंगे। अब कहने का मतलब ये है कि हम ये जो हमारा रेडियसर देखिए यहाँ से जा रहा है ना आगे की तरफ, आगे की तरफ 400 रेडियसर यहाँ तक आ गया है, ये हमारा रेडियसर हो गया। हम यहाँ से फिर इस मार्किंग से पीछे की तरफ 840 mm लिए हैं उस मार्किंग के पास तक, समझ रहे हैं ना। अब हमको क्या करने का, इसको काट के निकाल देने का है, ये जो 840 वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम टोटल काट के निकाल देंगे। काट के निकालने के बाद में मतलब आप प्लायर से या किसी भी पकड़ उकड़ से ये पकड़ करके आई हैम्बर मार मार के इसको राउंड हम घुमा लेंगे, ये जो 400 का रेडियसर का हमारा हिस्सा है इसको आराम से राउंड में घुमा लेंगे बिल्कुल 90 डिग्री के पास तक, है ना, 90 डिग्री के तरह। अब जो ये हमारा हिस्सा निकल गया रहेगा, कटिंग होकर निकल गया होगा, तो इसका लास्ट यहाँ है और स्टार्टिंग 840 का यहाँ था ना, यानी कि ये वाला हिस्सा अब आ करके हमारा जो ये एल टाइप रहेगा मुड़ा हुआ रहेगा 90 डिग्री का, ये इसमें हम ऊपर में वेल्डिंग कर देंगे बिल्कुल इसी तरह से। आप देख वीडियो देख करके समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये 90 हमारा मुकम्मल हुआ है। तो ये राउंड 90 मारने का लेदर ट्रे में ये सबसे आसान तरीका है और अच्छा भी लगता है। और एक और 90 का तरीका होता है जो भी कट कट के मारते हैं, तो भी कट का मार्किंग जो किस तरह से करना चाहे उसके बारे में तो हम ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुके हैं और उसके बारे में बता चुके हैं ऑलरेडी, यही एक बाकी था तो इसके बारे में बता दिया। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए हमसे, कमेंट में उसका हम जवाब देंगे।